नीट परीक्षा रे होइनी कोनोसी बड़ लीक। नीट उपरे सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। यहाँ पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन। आवेदन को खारज कले सर्वोच्च अदालत। परीक्षा परिचालन रे एसओपी पालिबा को केंद्र को निर्देश। 2010 में तीन बिल आया था सर, उसमें से एक बिल था शिक्षा सुधार के लिए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा दिया। छात्र छात्री का बृहत्तर स्वार्थ को देखी कोर्ट सुनाइले राय। कृतज्ञता जनाइले केंद्र शिक्षा मंत्री, कहिले सत्यर हेला जय। नीट 2024 पेपर लीक प्रसंगे गुरुत्वपूर्ण राय सुनाई सर्वोच्च अदालत। मामलें कौन बड़ धरणर लीक होइनी, केवल पटना और हजारीबाग लीक हो, तेणु छात्र छात्री बृहत्तर स्वार्थ को दृष्टि रखी रिनिट बा पुनः परीक्षा पाई आवेदन को खारज कर सर्वोच्च अदालत। सेपटे सुप्रीम कोर्ट को राय को स्वागत करने कृतज्ञता ज्ञापन करी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक एक्स पोस्ट से लिखिंट कि सत्यर सूर्य किसी समय परिछर बादल रे लुचि रही पारे, किंतु सत्यर सर्वदा विजय होता। नीट यूजी परीक्षा रे कौनसी व्यवस्थागत उल्लंघन न मिलवा और पुनः परीक्षा न करने को मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का निष्पत्ति आम सरकार का आभिमुख्य को स्पष्ट कर। भारत सरकार ट्यांपर मुक्त स्वच्छ एवं जीरो एरर परीक्षा व्यवस्था पाई संपूर्ण प्रतिश्रुतिबद्ध। यहाँ सुनिश्चित करने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमिटी देखा सुपारिश को सरकार यथाशीघ्र कार्यकारी करे। कांग्रेस एही राय को मानु नथिबा बेले बीजेपी कही जहां सरकार कही आसुथिले आज तापे मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट। सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। See, I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students. How can you have a student who is not capable of passing a 12th standard board exam get such a high score in NEET? There is some systemic problem with these scores, and I would only like to disagree with the Supreme Court very. पूर्वरु नीट परीक्षा मामलें केंद्र सरकार पक्ष में राय सुनाई सर्वोच्च अदालत। संसद में यार अवतारणा कर केंद्र शिक्षामंत्री प्रयास भूरी भूरी प्रशंसा करने कांग्रेस गोही खोली पूरी सांसद संबित पात्र। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहाँ पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। नीट यूजी पेपर लीक मामला रे प्रथम चार्जशीट दाखल करी छि सीबीआई। ए चार्जशीट रे रही छि 13 अभियुक्तक ना। अभियुक्त माने पेपर लीक सह अन्य अनियमिततारे सामिल थिबाने मध्य चार्जशीट्रे दर्शाई। अत्याधुनिक फोरेंसिक टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज एवं टावर लोकेशन एनालिसिस रो व्यवहार करी अभियुक्तक विरोध में तथ्य और प्रमाण जोगाड़ करा जायथिबा बेले एही मामला रे वर्तमान सुधा 40 जन को गिरफ करा जायथिबा सूचना देछि सीबीआई। एमानक मध्यरु 15 जन को गिरफ करिछि बिहार पुलिस। मामलार तदंत बेले सीबीआई 58 टी स्थान रे जांच करथिबा बेले 6 टी एफआईआर रुजु करिछि। 2010 में तीन बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब तीन बिल लाए थे, उसमें एक एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा दिया, किसकी दबाव में उठा दिया। किछ दिन तले संसद रे एही प्रसंग उठाई देशवासी को भितरे केंद्र सरकार का प्रति भ्रम सृष्टि करने को उद्यम करी थिले विरोधी दल नेता राहुल गांधी।
जहार मुह तोड़ जवाब देते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देशर शिक्षा व्यवस्था सुधार पर 2010 मसीह तीनोटी आईन आनी केन्द्र सरकार गोटे प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल जहार उद्देश्य थिला शिक्षानुष्ठान परीक्षा कॉपी रोकिबा किंतु चापरे पड़ी एही बिल को प्रत्याहार करी यूपीए सरकार जहाँ कांग्रेस को धोई केन्द्र शिक्षा मंत्री ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।